हेलो दोस्तों और वेलकम बैक टू काटवा किचन। आज हम बनाने वाले हैं यमी रसगुल्ला डेजर्ट। सो इसके लिए पहले तो ऑफ कोर्स हमें रसगुल्ला चाहिए, तो फिर ये रसगुल्ला मैंने एक बाउल में अच्छे से रख दिया है। और आप एक ग्लास वेसल और जो भी वेसल है जिस जो बड़ा है और आप फ्रिज में रख सकते हो उसे लेना, और फिर एक एक रसगुल्ले हाथ से उसका रस स्क्वीज करके आप उस वेसल में रखते जाइए। ये होने के बाद नेक्स्ट हमें चाहिए दो पैक्स ऑफ की दो फैमिली पैक आप ले सकते हैं वेनिला आइसक्रीम के। तो इसे निकाल कर एक बड़े से मिक्सर में डाल दीजिए और इस मिक्सर को ग्राइंड कर दीजिए। मेक श्योर कि आपका आइसक्रीम बहुत ही गुई ना हो और बहुत ही सॉलिडिफाइड ना हो, वो मीडियम न्यूट्रल रहे। तो ये रहा, मैंने अपने मिक्सर में आइसक्रीम डाल दिया है, ये मिक्स हो रहा है। तो फिर दिस इज़ व्हाट इट शुड लुक लाइक। आप एक स्पून लेके, बड़ा सा चम्मच लेके, उस सारे आइसक्रीम को धीरे धीरे से रसगुल्ला में पोर करते जाइए। मेक श्योर कि सारे रसगुल्लाओं को इक्वल आइसक्रीम मिले। तो फिर आप अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, जो भी रसगुल्ला बाहर पड़ गया है उसे अंदर ले लीजिए और उन सब को आधे आधे में कट कीजिए, मतलब छोटे छोटे पीसेस में। देन आपको 3 पैकेट ऑफ मिल्क चॉकलेट, आप कोई भी मिल्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ डेयरी मिल्क चॉकलेट यूज़ किया है। तो फिर उसको आप निकाल के, जैसे हम चीज़ ग्रेट करते हैं पिज़्ज़ा पे, वैसे हम इस चॉकलेट को इस ट्रीट में ग्रेट करेंगे। तो फिर तीनों पैकेट अच्छे से थोड़ा पेशेंस लगा के उसमें सारा ग्रेट कर दीजिए। और उसके बाद चेरी के बिना डिज़र्ट कंप्लीट नहीं होता, इसलिए हम अच्छे से उसके ऊपर चेरी रख देंगे। और टू प्रिजर्व इट, ताकि वो जल्दी मेल्ट ना हो जाए, हम उसे फ्रिज में रख देंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हियर इज़ द एंड रिजल्ट। एंड मैंने एक बाउल में उसको रख दिया है और लेट्स टेस्ट इट। एंड इट इज़ absolutely amazing. Make sure you like, share and subscribe. Be right back. Keep watching Katwa Kitchen.